राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। रत्न करंडक श्रावकाचार्य नाम धेयम अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः येषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमताचार्य प्रवर श्री समंतभद्रदेवैर्विरचितं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शेतेस्त्रदिकाणि चैव पञ्चाशदष्टोच सहस्रसंख्या मेतत्स्मृतं पञ्चपदं नमामि अर्हन्त भासियत्तं गणहरदेवे गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तजुतो सुगुणान् महो वहिं शिरसा इच्छामि बंते सुदुवती कांसुको को दुस्सालोच अंगु वंग पयने पावड़े परियम सुत्त पड़मान योग पोगई चूलिया चेव सुत्तत्त एथु इदम कायम सैनिच कल मंचे में पूजे भी वंदा मिन ममसामी दुखको कमको भोयलाओ सुगई गमनम समाय मरणम जिनगुण संपत्ति होद मध्यम अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमत आचार्य भक्ति का यो सर्गम करोमि। श्रुतजलदिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतेभ्य सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य छत्तीस गुण समग्रे पंचमी आचार करण संदर्शे शेषानुगुले धम्मायरिये सदा वंदे गुरुवत् संयमेन यतरंत संसार सायरं घोरं चिन्नन्ति अट्टकम्मं जम्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र ओमणिता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा वृता तपोधनदना साधुक्रिया साधव शील प्रावरणा गुण प्रेरणा चंद्रार्ग तेजोदिका मोक्षद्वार्ग पाठ पाठनपटा प्रीणंत मां साधव गुरुव पांतुनो नित्यं ज्ञानदर्शन नायिका चारित्राणव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशिका इच्छामंत्य आयुर्वती कांसको को दुस्सालोच समनान समनं सनसं तर्जुत्तानं पंचव्याचाराणं आयुर्यानं आयरादि गुणानं उपदेशानं वज्जायानं तिरेन गुण पालरयानं सौसानं सैनिष्कल मंचे मे पूजे मे वंदामि नमं सामि दुखको कमको भोविलाओ सुगई गमनं समाय मरणं जिनगुण संपत्ति होद मज्जं नमस्त्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अभी आपके सामने ये बात रखी कि धर्म से जोड़ने की बात उन्होंने की है। मुझे थोड़ा सा आश्चर्य सा लगता है, वो इसलिए कहना चाहता हूँ कि वस्तुतः जीव का धर्म के साथ जो संबंध है वह तादात्म्य संबंध हुआ करता है। धर्म से जोड़ने की बात नहीं होती, फिर भी जोड़ने के लिए बार बार प्रेरित किया जा रहा है। हाँ, आप लोग प्रेरित नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी प्रेरणा दी जा रही है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे यह तथ्य है कि जिस क्षेत्र में संसारी प्राणी की रुचि होती है, और रुचि होती है तो उस ओर प्रेरित करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि रुचि अपने आप में है।
जिन वस्तुओं के प्रति लगाव है, रुचि है, तो उस ओर संसारी प्राणी बिना किसी की प्रेरणा के स्वयं गतिशील हो जाता है, पुरुषार्थशील हो जाता है। किंतु धर्म का आत्मा के साथ अनन्य संबंध होते हुए भी उस ओर प्रेरणा देने की आवश्यकता पड़ रही है, और आवश्यकता पड़ जाए कोई बाधा नहीं। हम भी यहाँ पर आपको धर्म की ओर ही प्रेरित करने के लिए लगभग सवा महीने से ये प्रयास किया जा रहा है, और ये प्रयास मेरा प्रयास नहीं, गुरुदेव का प्रयास है, ये ध्यान रखें। हाँ, क्योंकि आगम की आज्ञा है कि संस्कार, कर्म के संस्कार, वैशेषिक संस्कार अनादिकालीन हैं, और उनको दूर करने के लिए बार बार प्रयत्न करने की आवश्यकता पड़ती है, और धार्मिक क्षेत्र में प्रयत्न करना हमारे लिए हानिकारक नहीं, उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, ये मुझे पूरा विश्वास इसलिए है क्योंकि मेरा विश्वास आप लोगों के ऊपर नहीं, ये ध्यान रखो, गुरुदेव के ऊपर मेरा विश्वास है। यह निश्चित रूप से कार्य संपन्न होगा, होगा और होगा, और इस कार्य को संपन्न करने के लिए जिसका योगदान है उसी को सफलता मिलेगी, यह भी उतना ही सत्य है, यह ध्यान रखें। बिल्कुल ठीक है, सुनने के लिए सब लोग बैठे हैं, किंतु सब लोग धर्म को ग्रहण करें ये अनिवार्य नहीं है, क्योंकि जिसकी रुचि होती है वही ग्रहण करने का निरंतर पुरुषार्थ करता है और करना चाहिए। इतना ही कहना चाहता हूँ, क्योंकि ब्रह्मचर्य जी ने आपको काफ़ी मात्रा में डोज दिया है। अब ज़्यादा डोज देंगे तो कहीं रिएक्शन न हो जाए, साइड इफेक्ट न हो जाए, हमें ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर आप्त का स्वरूप क्या है ये बताया गया है आचार्य समंत भद्र स्वामी ने कि 18 दोषों से रहित हुआ करता है, और 18 दोषों से रहित होना ये खेल नहीं है। ये खेल खेल में यदि हो जाता है तो अभी तक हम सिद्धालय में पहुँच चुके होते हैं, किंतु दोषों से मुक्त होना बहुत अत्यंत कठिन कार्य है। असंभव तो नहीं है, किंतु यह कष्ट साध्य है, ऐसा कहा गया है। और आप लोगों को कष्ट हो ही रहा है, धर्म की आराधना करने के लिए कष्ट महसूस नहीं होना चाहिए। बार बार प्रयत्न करने के उपरांत भी वह यदि हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो इसमें भगवान का अथवा देवशास्त्र गुरु का कोई दोष नहीं, क्योंकि वो दोषों से मुक्त हो चुके हैं, किंतु दोष हमारे भीतर हैं, उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। किंतु दोषों को वही दूर करने का प्रयत्न भी कर सकता है जैसे दोष दोष के रूप में जानने में आ रहे हैं। तो यदि दोष भी गुण के रूप में जानने में आ रहे हैं मान लो, तो कभी भी वह दोषों से मुक्त नहीं हो सकता, यह सिद्धांत है। इसलिए परसों के दिन हमने एक पंक्ति पढ़ी थी आगम में जो पढ़ने को मिली है, और प्रतिदिन प्रतिक्रमण आदि पाठ में वह पंक्ति आती है, जितमद हर्षद बेशा। क्योंकि जिनेन्द्र भगवान दोषों से रहित हैं तो उन्होंने मद को भी जीत लिया है। हाँ, ये महाराज आप जीतने की क्यों बात करते हैं, जबकि आचार्य ने कहा हार जीत की चर्चा नहीं करनी चाहिए, और आप यहाँ पर बैठ करके जीत की बात कर रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल कर रहा हूँ, क्योंकि हमें दूसरों से नहीं जीतना, दूसरे किसी व्यक्ति विशेष के साथ हमें संघर्ष नहीं करना, क्योंकि युद्ध में प्रवेश करता है, क्योंकि
जहाँ से आक्रमण होता है उसको परास्त करने की दृष्टि से राजा भी अपने सेना के साथ युद्ध में प्रवेश करता है, अथवा राजा भले ही न करें किंतु राजा की आज्ञा के अनुरूप सेना युद्ध स्थल पर पहुंच जाती है और जो विपक्ष सेना है उसके साथ वह युद्ध करना प्रारंभ करती है। यह तो अपने से जो भिन्न वस्तु हैं उन वस्तुओं के साथ अधिकार जमाने की दृष्टि से वह युद्ध करना प्रारंभ करता है। इस युद्ध की बात हमें नहीं करना क्योंकि अनंत काल से युद्ध विराम नहीं हुआ है, ये विश्व युद्ध चल रहा है और यह विश्व युद्ध यह अनादि काल से चल रहा है, कभी विराम नहीं पा पाया। अब हमें इस संसार के साथ संसारी प्राणियों के साथ युद्ध नहीं करना किंतु हमें वस्तुतः युद्ध किससे करना है, जो हमारे लिए पतन के लिए कारणभूत जो परिणाम है आत्मगत परिणाम, उन आत्मगत परिणाम के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए ही आचार्यों ने मोक्ष मार्ग का रूप स्वरूप बताया है। जो व्यक्ति मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होता है उस व्यक्ति के ही वश की बात है, वह इन सारी चीज़ों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। मद के ऊपर भी विजय प्राप्त किया जा सकता है, हर्ष विषाद की रूप जो कालुष परिणाम है उनके ऊपर भी विजय प्राप्त किया जा सकता है, मात्सर्य के ऊपर भी विजय प्राप्त किया जा सकता है, मोह के ऊपर विजय प्राप्त किया जा सकता है, कषाय के ऊपर भी विजय प्राप्त किया जा सकता है, परिषयों के ऊपर भी विजय प्राप्त किया जा सकता है। कौन करे जो करना चाहे उसके लिए उपदेश है, बाकी अन्य के लिए कोई उपदेश हम दे ही नहीं पाते न दे सकते हैं, क्योंकि जो उपदेश के पात्र होते हैं उन्हीं के लिए आचार्य उपदेश देते हैं और जिनके अंदर उपदेश की पात्रता नहीं है उनको हटाने का प्रयास नहीं करते, वो बैठ जाए सभा में हम उनके लिए कोई प्रतिकार नहीं करेंगे, उनके लिए कोई विरोधात्मक हम शब्द का प्रयोग नहीं करते, वो बैठ रहा है बैठें, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दुकान खोल दिया है, अनेक प्रकार के ग्राहक आते हैं, ग्रहण करने वाले भी ग्राहक आते हैं और दृश्य देख करके उसी में संतोष का अनुभव करने वाले भी ग्राहक हो सकते हैं, ये होता है। ये उस ओर हमें ध्यान नहीं देना, किंतु जो संसार से ऊपर उठना चाहता है जिसके भीतर तीव्र उत्कंठा है वह उस व्यक्ति के लिए ही यह अमृत का पान धर्मामृत का पान कराया जा सकता है, इसमें किसी भी प्रकार से जबरदस्ती आग्रह नहीं है। तो ये मद के ऊपर विजय प्राप्त करो ऐसा कहा जा रहा है, और जबकि इस मद के माध्यम से कुछ भी हमारे लिए मिलने वाला नहीं। जो साधन मोक्ष मार्ग के लिए या मोक्ष मार्ग के क्षेत्र में साधन के रूप में स्वीकार किया है उन्हीं साधनों को लेकर के संसारी प्राणी मद करता है, इससे और कौन सी विड़बड़ना वाली बात हो सकती है। ज्ञान के द्वारा आत्मा का विकास होता है, चारित्र के द्वारा आत्मा का विकास होता है, तप के द्वारा आत्मा का विकास होता है, रत्नत्र के द्वारा आत्मा के विकास के लिए कारण है और विकास होता है, और इन्हीं साधनों को लेकर के संसारी प्राणी अहंकार का अनुभव करता है, इससे और कौन सी विडंबना हो सकती है। वर्तमान में इस पंचम काल में कषाय का क्षय नहीं हो सकता, किसी भी प्रकृति का क्षय संभव नहीं है। हाँ,
उपशम संभव है, क्षयोपशम संभव है, किंतु किसी भी प्रकृति का क्षय वर्तमान में संभव नहीं है। तो महाराज आप कह रहे हैं कि हर्ष और विषाद के ऊपर विजय प्राप्त करो। हम कैसे विजय प्राप्त करेंगे? एक क्षण के लिए भी कर्म का क्षय देखने में नहीं आ रहा है तो विजय प्राप्त करने की के लिए प्रयत्न करना ये अपने आप में निरर्थक जैसा महसूस होता है। तो आचार्यों का ये कहना है कि वर्तमान में यद्यपि कर्म का एक भी कर्म का क्षय नहीं हो सकता, किंतु जो उदयागत कर्म है उन कर्मों के उदय के कारण जो संक्लेश आदि के परिणाम हो रहे हैं, तीव्र जो क्रोध मान माया लोभ के उदय में जो तीव्र परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, उन परिणामों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए यहाँ पर उपदेश दिया जा रहा है। चेतो दूसरे की कषाय के ऊपर नहीं, अपने भीतर जो निरंतर भिन्न भिन्न वस्तुओं के निमित्त को लेकर के कषाई की उदीर्णा हो रही है और उसको रोकने का प्रयास करना। कषाय उदय को प्राप्त होता है, उदय को प्राप्त होता है तो उसका प्रभाव उपयोग के ऊपर निश्चित रूप से पड़ता है, किंतु पड़ते हुए भी कषाय करे यह अनिवार्य नहीं है। कषाय का करना और कषाय का होना बड़ा अंतर है इसमें। कषाय का करना और कषाय का होना यानी उदय आया है तो उसका प्रभाव आत्मा के ऊपर पड़ रहा है, वह कषाय हो रही है, किंतु उसमें किसी भी प्रकार से हमारा कोई प्रयत्न नहीं है। अबुद्धि पूर्वक कषाय का होना उसको रोका नहीं जा सकता, किंतु बुद्धि पूर्वक संक्लेश परिणाम के साथ एक दूसरे के ऊपर जो प्रहार करने का भाव है, इस प्रकार का कषाय हमारे लिए हानिकारक है ये कहा गया। और वह कषाय भयंकर रूप ले लेता है, वो क्यों ले रहा है? ये अज्ञान के कारण ही इस प्रकार के संसारी प्राणी की दशा हो रही है। जब तक कषाय का यथार्थ ग्रहण होता रहेगा तो कभी भी अज्ञान भाव टिक नहीं सकता। क्या कहा हमने, क्या कहा? जब तक पदार्थ का यथार्थ ग्रहण नहीं होता तब तक अज्ञान भाव का सद्भाव रहेगा, और यथार्थ वस्तु तत्व का ग्रहण जिस समय होता है उस समय मोह टिक नहीं सकता। यह सिद्धांत है, क्योंकि अयथार्थ ग्रहण करने का अर्थ यह मोह का चिन्ह कहा है। मोह की क्या पहचान है महाराज? मोह की क्या पहचान है? अपने आत्मा की पहचान कर लो तो मोह की पहचान अपने आप हो जाएगा, क्योंकि जो आत्मा को जान रहा है वह कभी भी पर वस्तु के साथ मोह नहीं कर सकता। यह सिद्धांत है। इसलिए जो भी व्यक्ति संसारी प्राणी पर वस्तु के साथ मोहित हो रहा है वह निश्चित रूप से उसके लिए यथार्थ वस्तु का ग्रहण करना संभव नहीं, वह कर ही नहीं सकता। और यथार्थ वस्तु तत्व का ग्रहण जिस समय होता है वो समय हर्ष का अभाव हो चुका होता है। वही व्यक्ति हर्ष के ऊपर और द्वेष के ऊपर, राग और द्वेष के ऊपर विजय प्राप्त वही करता है जिस व्यक्ति की दृष्टि में वस्तु यथार्थ रूप से ग्रहित हो रही है। जैसा वस्तु है वैसा ग्रहण करने का प्रयास कभी किया है? यदि कर रहे हैं तो आपको एक समय के लिए भी हर्ष का अनुभव नहीं होगा, न विषाद का अनुभव हो रहा है। और हर्ष और विषाद का अभाव हो गया
तो इच्छा के ऊपर नियंत्रण हो गया, उसके लिए अब संज्ञाएं सता नहीं सकती। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, वासना रूप संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। मूर्छा का भाव जिसके अंदर है उसके अंदर वस्तु का यथार्थ ग्रहण संभव नहीं, उसके लिए त्रिकाल असंभव है। आप शांत बैठे ऐसा लग रहा है किंतु पर वस्तु के प्रति आपका मूर्छा भाव है, तो आप वस्तु का यथार्थ ग्रहण नहीं कर रहे हैं। ये सिद्धांत कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। महाराज ये कैसा संभव है हमारे लिए, आपके लिए कैसा संभव है ये बाद में बताया जाएगा, किंतु वस्तु तत्व का स्वरूप यही है। एक क्षण के लिए भी आप प्रयास करिए हमारा उपयोग का परिणमन किस रूप में हो रहा है। आप हल्कापन का अनुभव कब करेंगे, जब मूर्छा का अभाव होगा, ये तय है। आप कहो अथवा न कहो, आपका उपयोग शांत रहेगा तो उस समय मूर्छा का टोटल अभाव देखने में आएगा। यद्यपि कषाय का अभाव नहीं हुआ, कषाय का क्षय नहीं हुआ, इसके बावजूद भी आप शांति का यदि अनुभव कर रहे हैं, उस समय बुद्धि पूर्वक मूर्छा का अभाव हो चुका है, बुद्धि पूर्वक ग्रहण का अभाव नहीं है। बहुत कठिन है, बार बार प्रयास करो, बार बार प्रयास करो, ये कहा जा रहा है। और गुरु श्रवण के लिए बार बार प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उस ओर दृष्टि नहीं जाती है, तो जीवन यूं चला जाता है, उसमें कोई लाभ नहीं हो पाता। शारीरिक दृष्टि से जो चारित्र का पालन होता है, जिसको बाह्य तप की संज्ञा दी है आचार्यों ने, उस बाह्य तप जो अनशन है, ऊणोदर है, वृत्ति परिसंख्यान है, रस परित्याग है, काय क्लेश है, विविक्त शय्यासन है, ये सारे सारे श्रवण की भूमिका में ये तप आगम में उल्लेखित किए हैं। और इन बाह्य तपों का आलम्बन लेने के उपरांत भी मूर्छा भाव यदि समाप्त नहीं हो रहा है, तो उसने कषाय को नहीं जीता है, यह सिद्ध हो जाता है। तो हमें कषाय को जीतना है, किसी व्यक्ति के ऊपर विजय प्राप्त नहीं करना है। ये हमेशा भाव आप बनाए रखिए। भाव इस प्रकार के प्रयत्न करने के उपरांत क्वचित कदाचित कुछ समय के लिए भाव आ भी सकते हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी वो भाव डिलीट हो जाते हैं। क्यों होते हैं, किस कारण होते हैं, अंतरंग कारण से ही इस प्रकार के पवित्र परिणाम भी डिलीट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अपने परिणामों के द्वारा पवित्र भाव मिट रहे हैं और ख्याल नहीं आता, वो समाप्त हो जाते हैं। संद्विलन कषाय आपने पढ़ा है आगम में, उसका काल कितना है, अंतर मुहूर्त। उसके लिए उदाहरण क्या दिया है, जल की रेखा, किंतु उपदेश का प्रभाव जल की रेखा के समान पड़ रहा है, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। कषाय का प्रभाव, संद्विलन कषाय का प्रभाव जल रेखावत कहा गया, यानी कोई भी मान लो प्रसंग बन जाता है, क्रोध मान माया लोभ
के उदय को लेकर के, तो समय संज्वलन संबंधी क्रोध मान अथवा माया अथवा लोभ का उदय चल रहा है, तो वह अंतर्मूल तक उसका उपयोग के ऊपर प्रभाव रहता है, ऐसा कहा है आचार्यों ने। और उसके लिए उदाहरण दिया है जल रेखा, अर्थात जल में आप रेखा खींचते चले जाओ और वह पीछे से वह रेखा मिटती चली जाती है, किंतु वर्तमान में यह विस्मय हो रहा है कि गुरुओं का उपदेश, भगवान का उपदेश जल रेखा के समान प्रभाव पड़ पा रहा, वो भी किसी के ऊपर पड़ता है तो, नहीं पड़ता है तो ओम शांति तो है ही। आखिर उपदेश देने की कोई सीमा है क्या? नहीं, जिस समय उपदेश देते हैं उस समय प्रभाव पड़ता है, और तत्काल वह नष्ट क्यों हो रहा है? यदि नष्ट नहीं हो रहा है तो निरंतर आपके परिणाम पवित्रता के रूप में रहना चाहिए, उसमें स्थायित्व क्यों नहीं? इसमें पुरुषार्थ ही अपेक्षित है। मन बहुत जल्दी गाफिल हो जाता है, वह टिकता नहीं, लगता है कि टिक रहा है, वह टिका हुआ नहीं रहता। वो आपने घड़ी को देखा, देखा है, लेकिन उस प्रकार की घड़ी आजकल देखने को नहीं मिलती जो पेंडुलम वाली, वह स्थिर नहीं रह सकता, इधर से इधर, इधर से इधर। उसी प्रकार मन रूपी पेंडुलम ये स्थिर नहीं हो पा रहा है। कौन करेगा कौन करेगा इसको? क्योंकि घड़ी को बंद किए बिना ये पेंडुलम स्थिर नहीं हो सकता, तो ये घड़ी को बंद करेंगे तो पेंडुलम स्थिर हो जाएगा। उसी प्रकार आपका मन रूपी जो पेंडुलम है वह, उसको स्थिर करना है। वह घड़ी क्यों चल रही है? मन रूपी घड़ी क्यों चल रही है? मोह के कारण वह घड़ी चल रही है, निरंतर चाबी भरने की कोई आवश्यकता ही नहीं, वो ऑटोमेटिक घड़ी है, वो कभी समा, वो घड़ी रुक नहीं रही, निरंतर घड़ी वो चल रही है, और वह मोह से प्रभावित है आपका उपयोग, आपका मन। इसलिए जब तक वह आपका उपयोग अथवा मन मोह से प्रभावित रहेगा, तब तक वह आपका मन स्थिर नहीं रह सकता। एक क्षण के लिए स्थिर रहा और अगले पल में, अगले क्षण में वह परिणाम आपके चले गए, डिलीट हो जाता है। बार बार प्रयास करो, क्योंकि उस वैद्य स्थिर रहेगा तो अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान उत्पन्न हुए बिना रह नहीं सकता, ये सिद्धांत है। तो महाराज फिर हम कैसे करेंगे? आज तो शुक्लदान है ही नहीं, जिसके द्वारा हम मोहनी कर्म का हम अभाव कर सकते, कर सके, तो हम क्या कर सकते हैं? अंतर्मूर्त के उपरांत महाराज हमें बाहर आना ही पड़ रहा है, कोई वादा नहीं, किंतु ध्यान के अभाव में भी कुछ ऐसे साधन हैं जिन साधनों के माध्यम से अंतर्मूर्त में ध्यान में प्रवेश किया जा सकता है, ऐसे साधन भी हैं। कौन से साधन है महाराज? पढ़ो ध्यान के अभाव में अनुप्रेक्षा, 10 लक्षण धर्म, समिति, चारित्र का प्रवृत्ति के रूप में पालन करना, ये सारे सारे ध्यान के लिए कारण हैं, साधन है, ऐसा कहा है। इसलिए अंतर अंतर मुहूर्त के उपरांत मन यदि मान लो बाहर आ भी जाता है, तो उसके लिए अनुप्रेक्षा का आलम्बन लेकर के आप चलिएगा। और अनुप्रेक्षा का भी यदि आलम्बन नहीं लेना चाहो तो फिर और कोई भी साधन आपको मिलेंगे नहीं। कर्मों के संवर और निद्रा के लिए प्राथमिक भूमिका में ये अनुप्रेक्षा ही एकमात्र कारण है, ऐसा कहा।
भविक जनानंद जननी, वो ऐसा कहा। भव्य जीवों के लिए आनंद उत्पन्न करने के लिए ये अनुत्रेक्षाएं जननी के समान अर्थात माँ के समान ऐसा कहा है। छोटा सा बालक है और माँ के गोद में चला जाता है, निश्चिंत होकर के वो सो जाता है। सोता क्या नहीं, भूख लग जाए तो बात अलग है, वह पुनः वापिस रोना प्रारंभ करता है, ये अलग वस्तु। किंतु उसके लिए इच्छित वस्तु समय पर यदि मिलती है तो उसके माध्यम से वो बहुत निश्चिंत होकर के वह सो जाता है। उसी प्रकार आपके लिए भी ये आवश्यक है कि ध्यान नहीं लग पा रहा है, एकाग्रता नहीं बन पा रही है, कोई वादा नहीं। एक एक जो भावनाएं हैं, अनुप्रेक्षाएं हैं, उसके माध्यम से भी कर्मों की निर्जरा, कर्मों का संवर हम कर सकते हैं। यदि इससे हट करके यदि अन्य कोई भी वस्तुओं का आलंबन आप लेते हैं, इससे स्पष्ट है कि अनुप्रेक्षा में आपका मन नहीं लग रहा है। कहना पड़ेगा, जो अनित्य भावना में मन नहीं लग रहा है तो वस्तु को तुम नित्य मानना चाहो क्या? जब वस्तु अनित्य है तो उस अनित्य वस्तु को लेकर के हर्ष का अनुभव, अनित्य वस्तु को लेकर के विषाद का अनुभव, अनित्य वस्तु को लेकर के अहंकार का अनुभव, अनित्य वस्तु को लेकर के मात्सर्य का अनुभव, ये सारे सारे क्यों हो रहे हैं? जिस समय ये परिणाम है उस समय आपके उपयोग में वह अनुप्रेक्षा है ही नहीं। बिल्कुल निश्चित बात है ये। आ रहा है क्या? नहीं, कि अभी भी नहीं आ रहा है? तो हर्ष का आप अनुभव करते हैं कभी? हाँ करते हैं महाराज। उस समय आपके उपयोग में क्या आया बोलो, क्या आया महाराज? आप परीक्षा लेना चाह रहे हैं क्या? परीक्षा नहीं ले रहा हूं, किंतु पढ़ाई ऐसी होती है और पढ़ने के लिए आप लोग सब बैठे हैं, और न पढ़ाया जाए तो फेल तो होंगे। फिर टीचर के ऊपर कोई आरोप नहीं आ सकता, वो छात्र के ऊपर ही है, वह छात्र का ही दोष है। जब ये वस्तु का स्वरूप है फिर क्यों हर्ष विषाद करते हो? क्यों पर वस्तु के ऊपर अधिकार प्राप्त करने का भाव रखते हो? नहीं रखना चाहिए। जब स्वपर भेद विज्ञान हो गया, अपना क्या पराया क्या, इसका पूरा का पूरा आगम के माध्यम से आपको ज्ञान हो चुका है, जो पर को पर के रूप में आपने जान लिया है, तो उसके ऊपर अधिकार का भाव क्यों रखते हो? उसको ग्रहण करने का भाव क्यों रखते हो? यदि रखते हैं तो निश्चित रूप से कषाय की उदीर्णा होगी, और कषाय की उदीर्णा होगी तो निश्चित रूप से वह विशिष्ट स्थिति और अनुभाव को लेकर के पाप का अर्जन करेगा। पुण्य का अर्जन करना चाहो महाराज, वही तो चाहते हैं हम। हाँ। पुण्य क्यों चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं पुण्य लेकर के? पुण्य की इच्छा क्यों हो रही है? पुण्यार्जन करने की भावना क्यों हो रही है? संसारी प्राणी को इसलिए होती है कि पुण्यार्जन करूंगा तो निश्चित रूप से मुझे वैभव मिलेगा, इस उद्देश्य को लेकर के वह पुण्य का अर्जन कर रहा है, तो उसके माध्यम से भी वह कभी भी कषाय को जीत नहीं पाएगा। उसके भीतर ये चारों चौकड़ी जिसको बोलते हैं क्रोध मान माया लोभ विद्यमान है, उसके कारण ही उसका उपयोग निरंतर मलिन हो रहा है। और यहाँ पर चर्चा चल रही है जित मद हर्षद वेशा, ये किसके विशेषण है? हम और आपके विशेषण है नहीं, ये भगवान के विशेषण है, जिनेन्द्र भगवान के विशेषण के रूप में जोड़ा गया। वे हर्ष और विषाद से ऊपर उठ चुके हैं, जीत चुके हैं, कभी भी उनका अब जीवन
ना हर्षमय होगा ना विषादमय होगा, अनंत काल के लिए वह हर्ष और विषाद से ऊपर उठ करके ही एक शुद्ध परमात्म तत्व का संवेदन उन्हें हो रहा है। उन्हें जन बोलते हैं जिन्होंने जीत लिया है। पर को नहीं जीता जाता, वस्तुतः यदि कोई पर वस्तु है तो वह कर्म है जिसका संबंध अनादिकाल से आत्मा के साथ हो चुका है, और उसके ऊपर कुठाराघात करने के लिए यह उपक्रम है, यह पुरुषार्थ है। वस्तुतः यह जीत की बात करना चाहो तो ये कर्म के ऊपर विजय प्राप्त करने की बात करो, दूसरे को कॉम्पिटिशन। किसके ऊपर कॉम्पिटिशन? प्राय करके देखने को मिलता है, हर जगह मिलेगा प्रतियोगिता। योग्यता है क्या पहले ये देख लो, प्रतियोगिता की बात करते हो। योग्यता क्या है, कुवत क्या है, ये भी तो देखो। जो अरबपति है उसके साथ वह ईर्ष्या कर रहा है, अरे क्या तुम क्या करके क्या कर लोगे, एक पाई मिलना मुश्किल है इस जीवन में, और तुम उसके साथ ईर्ष्या कर दे, वो गलत बात है। भगवान के साथ ईर्ष्या करना चाहो क्या, तुम हार जाओगे, वैसे ही हार चुके तुम, क्योंकि संसारी हो। भगवान के साथ ईर्ष्या करोगे, संभव नहीं। अड़ोस पड़ोस के साथ क्लास फेलो, इसलिए वह फेल हो रहा है, वो क्लास फेलो के साथ वह ईर्ष्या कर रहा है। वह समझ में आ रहा है, हाँ हंसी आ रही है, इसका अर्थ आपको समझ में बात आ रही है। क्लास फेलो के साथ क्यों आप ईर्ष्या करते हो? ईर्ष्या मत करो, सही सही पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ करने से ही इच्छित वस्तु मिल सकती है, मिलती है, बल्कि आचार्य कहते हैं पुरुषार्थ करो, मांगो नहीं। कल भी बात महाराज ने मांगने की बात को लेकर के कुछ कहा था, और आप लोगों ने मनोरंजन के रूप में हास्य का अनुभव भी किया था। याचना वृत्ति छोड़ो, किंतु आप सही सही पुरुषार्थ सत्पुरुषार्थ करिए, आप ईर्ष्या मत करो। ये सारे सारे काषायिक परिणाम है। अहंकार मत करो, दीनहीनता का अनुभव मत करो, ये सारे सारे कषाय की ही परिणति है। इसलिए हर्ष और विषाद से ऊपर उठने के लिए भगवान के चरणों में बैठ जाओ तो निश्चित रूप से भगवान बन सकोगे। मैं भगवान बन सकता हूँ महाराज? अच्छा, भगवान बन करके क्या करना चाहो? विश्व के ऊपर आधिपत्य करना चाहो क्या? है? क्या करना चाहो? आधिपत्य के अधिकार की भावना छोड़ दो, क्योंकि अधिकार का जो भाव है वह ठीक नहीं, वह अहंकार का भाव माना जाता है। क्षायिक सम्यक्त्व उत्पन्न होने के उपरांत भी अहंकार का भाव छूटता नहीं, और उसके कारण ही चक्री की हार हुई है क्या? नहीं, चक्री जीता है, नहीं जीत पाया। किससे हारा? हाँ, अनुज, हाँ, बड़े भाई से हार जाए तो फिर भी ठीक है, छोटे भाई से हार हो गई। जबकि अवधिज्ञान भी है, क्षायिक सम्यक्त भी है, सब है, इसके उपरांत भी वह कर्म साथ नहीं दे रहा है। अनंतान बंदी का क्षय हो चुका है, इसके बाद भी इस प्रकार की परिणति है। जबकि वह चक्र रत्न का प्रभाव अपने परिवार के ऊपर नहीं पड़ सकता, ये सत्य है। इसके उपरांत भी सत्य उसकी दृष्टि से ओझल हो गया, और वह तीन युद्धों में हारने के बावजूद भी वह चक्र चलाने का भाव कर रहा है। इसको बोलते हैं अनधिकार चेष्टा, इसको बोलते हैं अनधिकार। कोई अधिकार नहीं अब, क्यों? तीनों युद्धों में हार गए हो और अभी भी अधिकार की बात करते हो, यह अनधिकार की बात हो गई। और अनधिकार चेष्टा के फलस्वरूप वह क्या मिला उसको, क्या हाथ लगा? कुछ भी नहीं लगा, बल्कि और इंसल्ट और हो गया। इसके द्वारा कुछ भी नहीं मिलने वाला, इसके द्वारा न भूख मिट रही है, न प्यास मिट रही है, न कुछ हो रहा, कुछ भी नहीं है। ये केवल मन की भूख है,
मैं जीत जाऊं। भैया आत्मा की विजय की बात करो, ये जीत हार जीत की बात छोड़ो। इसलिए जित मद हर्षद द्वेषा जित मोह परीशहा, जिन्होंने मोह को भी जीत लिया है, सबसे बड़ा यदि कोई शत्रु है तो मोह है, और उसको उन्होंने जीत लिया। मोह को जीतना खेल नहीं है बंधुओं। आचार्य महाराज ने कहा था कि बार 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 ज्ञान की बात करते हो, क्या अज्ञान से घृणा तो नहीं है तुम्हें? अज्ञान से कहीं घृणा तो नहीं हो रही? तो ज्ञान की क्यों बात करते हो? अज्ञान परिचय भी तो सहन करो। अज्ञान परिचय सहा नहीं जाता। जो अज्ञान परिचय को सहन नहीं कर सकता, वह प्रज्ञा परिचय को भी नहीं सहन कर पाएगा, यह ध्यान रखो। क्योंकि वह भी बहुत बड़ा परिचय है। क्यों? अरे अज्ञान परिचय ये छोटा है क्या? हाँ बिल्कुल छोटा है। प्रज्ञा परिचय इससे भी भयानक है, क्योंकि प्रज्ञा परिचय कब जीतने का अवसर आता है? जब सामने वाला व्यक्ति प्रशंसा करे तब, मंच पर आकर के बैठ जाए हैं, और आगम के अनुरूप साहित्यिक शैली में हैं, ओजस्विता के साथ यदि मान लो प्रवचन दे रहे हैं, और उस वक्तृत्व कला से प्रभावित होकर के पूरी की पूरी सभा यदि मान लो तालियों से गड़गड़ाहट वो सुनने में आ जाए, तो भी भीतर गड़गड़ाहट नहीं है तो विजय प्राप्त कर लिया उसने, बाकी ओम शांति है। प्रशंसा का भूखा है संसारी प्राणी, बहुत जल्दी निंदा का प्रतिकार होता है। जितने जल्दी निंदा का प्रतिकार का भाव हो रहा है, क्या उतने जल्दी प्रशंसा का प्रतिकार का भाव हुआ है? नहीं होता। वंस मोर कहता है प्रशंसा के लिए, एक बार और ताली बज जाए, एक बार और ताली बज जाए, इस प्रकार प्रशंसा का भाव रखता है, तो वह व्यक्ति कभी भी जीत नहीं सकता कसाई को। कषाय को जीतो, और कुछ नहीं करना। मोक्ष मार्ग में क्या करना है महाराज? कुछ नहीं करना है, हर्ष और विषाद इन दोनों को जीतना है, बाकी ओम शांति। ये जितने भी कर्म का जो जितने भी कर्म हैं उनका जो आश्रय हो रहा है, उसमें मेन नियंता मोही कर्म है। मोहनी कर्म के कारण ही सारे सारे कर्मों का वह आश्रय करता चला जाता है। बहुत कठिन काम है। एक घंटा पर्याप्त नहीं, एक घंटा हो गया लगभग हाँ। अब क्या करें, क्या करें महाराज? फिर बंद करें? बंद तो करना ही है। मैं बार बार कह रहा हूं, इसलिए मुझे बार बार निरंतर चिंतन करो तो आपके भाव बने रह सकते हैं। और निरंतर चिंतन करने वाला व्यक्ति जो होगा, उसके लिए चिंतन करने योग्य विषय कौन से होते होंगे? आज ध्यान की सामग्री के द्वारा कभी भी धर्म ध्यान नहीं किया जा सकता। धर्म ध्यान के योग्य जो सामग्री है, उसी के द्वारा धर्म ध्यान संभव है। अन्यथा पंचेंद्र के विषयों का आलमन लेने वाला व्यक्ति कभी भी धर्म ध्यान नहीं कर सकता उस समय। अन्य समय में मैं नहीं कह सकता। ध्यान की सामग्री क्या है? ध्येय जिसको बोलते हैं, ध्यान करने योग्य जो सामग्री है उसको ध्येय बोलते हैं। और ध्यान करने वाला ध्याता है, और जो किया जा रहा है उसका नाम ध्यान है। ध्यान ध्याता, ध्येय और ध्यान का फल। तो ध्येय भूत सामग्री क्या है आपके उपयोग में? क्या सामग्री, कौन सी सामग्री है? जो सामग्री है उसके अनुरूप फल मिलेगा, क्योंकि ध्यान के अनुरूप ध्यान का फल है। यदि रौद्र ध्यान चल रहा है तो रौद्र ध्यान का ही फल मिलेगा, धर्म ध्यान का फल भूल जाओ। इसी को बोलते हैं कारण सदृशम कार्य।
आर्धान करते रहो निरंतर और फल मिलेगा हमें, मिलेगा ना, बिल्कुल एक्यूरेट फल मिलेगा आपको, एग्जैक्ट फल क्या बहुआरंभ परिग्रह नारकस्या ईशोह मिलेगा क्या नहीं, माया तैर्य ज्ञो नस्यो, ये सूत्र लागू होंगे उस समय हाँ। सूत्र का अर्थ गायब हो जाएगा क्योंकि फल कुछ अलग मिल रहा है, इसलिए सूत्र का क्या अर्थ है वह गायब हो जाएगा। संज्ञाओं से ऊपर उठना बहुत कठिन है, ये संज्ञाएं ही संसारी प्राणी को गाफिल कर रही है। निरंतर ये संज्ञा का अर्थ इच्छा है हाँ। और किसकी इच्छा, आत्मा की नहीं, स्वयं की इच्छा नहीं होती, पर वस्तु के ऊपर अधिकार। पर वस्तु मिल जाए मान लो फ्री में, छोड़ेंगे आप है? मान लो किसी को, किसी ने कहा कि महाराज हम बैठ करके नमस्कार नहीं कर पा रहे, क्यों, कमर में बहुत दर्द है और स्लिप डिस्क हो गया, अच्छी बात है, और वह जा रहा है चौपात पर और 100 का हरा हरा नोट देखने को मिला। अब वह कैसा झुक जाता देख लो, पता ही नहीं पड़ता कब झुक जाता और कौन लेकर के, वो समय वह दर्द कहाँ चला गया, ट्यूब तो नहीं लगाया था उस समय, नहीं तो एक क्षण में ही वह कमर झुक जाती है और 100 का नोट वह जेब में डाल करके जा रहा है और कहता है कमर में बहुत दर्द है महाराज, कमर में बहुत दर्द है डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर क्या करेगा, अभी कैसे झुक गए थे तुम, झुका रहा अपना माथा कहां पर, नोट के ऊपर, भगवान के सामने झुको तो फिर भी ठीक है, भगवान के सामने माता नहीं झुक रहा है और धन के सामने माता झुकावा ही रहता है हमेशा, इसको बोलते हैं परिग्रह संज्ञा। बहुत कठिन है महाराज, कैसे करेंगे, हम कुछ नहीं जान सकते, आपका पेपर है आप जानो, फिर भी पढ़ाने के लिए बैठे तो हैं, कौन सर हाँ। उनके पास सर है इसलिए वो बैठे हैं कुछ सुना रहे हैं हाँ, नहीं तो बहुत कठिन काम हो जाएगा। जो व्यक्ति आत्मसात करता है धर्म को, वही व्यक्ति कुछ करुणा के साथ कह भी सकता है, उपदेश दे सकता है। हर कोई व्यक्ति उपदेश दे और उसका प्रभाव पड़े बहुत कठिन काम है, इसलिए भगवान का स्वरूप क्या है, क्योंकि भगवान के ऊपर श्रद्धान करने से सम्यक्त की उत्पत्ति होने वाली है। तो भगवान का क्या स्वरूप है कम से कम पहचान तो करो, भगवान के सामने जाने के उपरांत भी भगवान दृष्टि में नहीं आ पा रहे हैं तो अन्यत्र कहाँ वो दृष्टि में आ सकते हैं। आपका समय हो गया है, बहुत विषय लंबा चौड़ा है, लंबा भी है और चौड़ा भी है हाँ। अब उसको कैसे करेंगे, आगम के माध्यम से, आप आगम पढ़िएगा और थोड़ा पढ़ो और निरंतर उपयोग उसमें ले आओ, नहीं है तो संभव नहीं। कल भी कहा था परसों, कल तो नहीं कहा था परसों भी, जब टर्न मिलता है तब कहने में बात आती है कि निरंतर उपयोग आपका जाना चाहिए, नहीं है तो बहुत जल्दी वह आर ध्यान के भाव, रौद्र ध्यान के भाव आ सकते हैं। गुणस्थान को बरकरार बनाए रखने के लिए वह मन रूपी जो पेंडुलम है उसको स्थिर रखने की आवश्यकता है। कौन स्थिर रखेगा, आप रखना चाहो तो रख सकते हैं, आप यद्यपि गृहस्थ हैं श्रावक हैं, आपके पास भी दायित्व है, परिवार है, समाज है, सब है, उन दायित्वों का निर्वहन करते हुए भी धर्म को भूलते नहीं भूलते हुए आप चलेंगे तो कुछ हद तक आपको भी धर्म का स्वाद आ सकता है, आना चाहिए। तो हम ज़्यादा क्या कहें, बंद कर लें, अब बंद करने के लिए बहुत जल्दी
प्रारंभ करने के बाद आते हैं और समाप्त करने के पहले भी जाने वाले जा सकते हैं, जाते हैं, इसलिए शायद वह पीछे बैठते होंगे ताकि मैं हम जल्दी से जल्दी जा सकें। ऐसा नहीं हो, किंतु आप निरंतर जो है चिंतन करिए। जब तक आस्था का भाव जागृत नहीं होगा तो तब तक आप भीग ही नहीं पाएंगे। आपको भिगाना बहुत कठिन है, हाँ, भिगाना बहुत कठिन। एक मान लो आपने चना है भिगोने के लिए रखा है, हैं, भीगने के लिए, फूलने के लिए कितना समय लगता है, हैं? अरे 10-12 घंटे लगते हैं, तब जा करके सुबह सुबह वह फूल जाता है और उसको देख करके तुम भी फूल जाते हो। हाँ, बिल्कुल फूल जाते, फूला नहीं समाते आप, हाँ, और तुरंत वह खाने योग्य हो जाता है। यदि बिना भिगोए वैसे ही यदि मान लो चना चबाएंगे तो निश्चित रूप से दांत टूट सकते हैं, किंतु फूले हुए चने आपके लिए, दांत नहीं भी हो तो आराम से आप चबा लेते हैं। तो उसी प्रकार आपको भिगाने के लिए बार बार भगवान और गुरु महाराज प्रेरित कर रहे हैं, इसके उपरांत भी भीग नहीं रहे हैं। इसका अर्थ बहुत, वह चना बहुत लोहे का चना मैं मानता हूँ, वह भीग ही नहीं रहा, वो फूल ही नहीं रहा है। क्या कह रहे हैं? हाँ, टर्रा, वो टर्रा तो नहीं कहूंगा, हाँ, क्योंकि बहुत कठिन हो जाएगा फिर, हाँ, फिर अभाव के समान सिद्ध हो जाएगा। ऐसा तो नहीं, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा, हाँ, टाइम तो ज्यादा लगेगा, क्योंकि अभी तक टाइम लग रहा है तो इसका अर्थ क्या है, हाँ? अंतर्मूर्त में जिसका वह भीग गया मान लो तो बहुत जल्दी वह निकट भव्य माना जाएगा। लेकिन अपन निकट है क्या नहीं, ये भगवान का विषय है, ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। किंतु जिनेन्द्र भगवान के स्वरूप को समझने के लिए भी अपने को समय देने की आवश्यकता है, और समय देंगे तो समय का अर्थ शास्त्र का ये मर्म भी आपको पकड़ में आ सकता है, आगम के अनुरूप आपके परिणाम हो सकते हैं। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। साध जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। विद्यासागर के परम शिष्य तुम, मुनि पुंगव शत नमन तुम्हें।